नमस्कार। अगर आपको भी एसिडिटी की शिकायत होती है, खाना जो है मुंह के रास्ते से बाहर आता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन, छाती में जलन, अगर इस तरह की कोई भी लक्षण है आपको, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी एसिडिटी के बारे में, एक पूरा होल डे डाइट प्लान आज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पेशेंट से कि मैम आप एसिडिटी पे एक डाइट प्लान बताइए। तो आज मैं पूरा डाइट प्लान, सुबह से लेकर रात तक आपको कैसा दिनचर्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे एक महीने में ही आपको इसका फायदा दिखना चालू हो जाएगा। आप 1 मंथ केवल इस डाइट को फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल एल्कलाइन वाटर का बहुत ही प्रचलन है। एक्चुअली एल्कलाइन वाटर बहुत ही अच्छा होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एसिडिटी को कम करता है, एंटी एजिंग भी होता है। पर केवल एल्कलाइन वाटर लेने से आपकी एसिडिटी ठीक नहीं होने वाली। अगर आप केवल एल्कलाइन वाटर पी रहे फिर भी हमें एसिडिटी हो रही, तो ऐसा बिल्कुल, ये एक मिथ है कि एल्कलाइन वाटर ही केवल एसिडिटी को कम कर सकता है। आपको एल्कलाइन फूड भी बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको एसिडिटी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, आप नेचुरली घर पर एल्कलाइन वाटर तो पियो ही, पर साथ ही डाइट भी फॉलो करो। तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेदा जो है कैसे कनेक्ट करता है एसिडिटी से। जो डाइट प्लान मैं बताने वाली हूँ, ये कैसे हमारे बॉडी से कनेक्ट करता है। तो जैसा कि आयुर्वेदा में वात पित्त कफ तीन दोषास होती है, तो ये किस तरह से हमारे बॉडी में फंक्शन करती है कि हमारे पित्त को यानी कि हमारे एसिडिटी को बैलेंस कर सके। तो वहाँ पर देख रहे हैं, वात का फंक्शन ये होता है ब्लड सर्कुलेशन में, ब्रीथिंग में और हमारे हार्ट बीट के कंट्रोल में। और पित्त को देखें तो सबसे मेन फंक्शन जो होता है मेटाबॉलिक का, यानी कि इसी से हमारा खाना पचता है, हम जो भी खाते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। और अगर आपका खाना नहीं पचा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपका पित्त इम्बैलेंस होके ही एसिडिटी को कॉज करता है। और एब्जॉर्प्शन में, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, डाइजेशन में ही पित्त का रोल होता है। और कफ का रोल जो होता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए या ब्लड सप्लाई के लिए, और हमारे मॉइस्चर यानी कि जो लुब्रिकेशन होता है बॉडी में, जिसको आयुर्वेद में स्निग्धता बोलते हैं, और बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एसिडिटी के लिए सबसे मेन दोष कौन सा होता है? पित्त दोष है। इसी को ही आपको बैलेंस करना है। और यह पित्त जो है स्ट्रेस से भी इम्बैलेंस होता है, और बैड फूड से भी होता है, और बैड लाइफ स्टाइल से भी होता है। तो बिना किसी देर के हम तुरंत शुरू करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, नाइट तक का हम डाइट चार्ट। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में तो थोड़ा जल्दी उठना है, 5 से 7 के बीच आपको 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। दिन की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से होना चाहिए। इसके 30 मिनट बाद आप लीजिए थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसके साथ ही नींबू। अब आप सोच रहे होंगे नींबू तो खट्टा होता है, ये हमारे एसिडिटी को बढ़ा सकता है। सबसे यही मिसकंसेप्शन है, जितने भी एसिडिक फ्रूट होते हैं ये हमेशा बॉडी में जाने के बाद एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, पचने के बाद यह एल्कलाइन में बदल जाता है। और वही अगर एल्कलाइन फूड होते हैं, जैसे आप एग्जांपल मीट समझो, मीट जो एल्कलाइन होता है पर पचने के बाद जो इसका ऐश होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इस तरह से केवल नींबू ही आप ले सकते हैं, और इसको भी आपको गुनगुने पानी से लेंगे तो ये एसिडिटी कॉज नहीं करेगा, और साथ ही आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा और शरीर की सफाई कर देगा। इसके अलावा आप ऐश गट का जूस भी ले सकते हैं, जो सफ़ेद पेटा बोलते हैं, रखिया बोलते हैं, आपने सुना होगा, पेठा जो बोलते हैं ना, वाइट कलर का होता है कद्दू के जैसा, आप उसका भी जूस ले सकते हैं। 20 ml आप 1 गिलास पानी के साथ मिला के ले सकते हैं, अगर आप बॉटल में लेके आते हो तो। अगर आप फ्रेश लेते हो तो डायरेक्ट 1 गिलास जूस आप ले सकते हो। ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। अगर आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो एसिडिटी कभी ठीक नहीं होगी। ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में लेना है आपको किसी भी वेजिटेबल का आप जूस ले सकते हैं, या फिर आंवला और एलोवेरा का आप थोड़ा जूस लीजिए। जैसे 20 ml आपने आंवला ले लिया, 20 ml आप एलोवेरा ले लिया, तो यह आपके एसिडिटी को काफ़ी अच्छा कर देता है। 300 ml वाटर के साथ मिला के आप इसको ले लीजिए, अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो।
और वेजिटेबल जूस भी आप ले सकते हैं अगर आप ये दोनों प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो ये आप ले सकते हैं। अल्टरेशन की बात करें, अगर आप इन दोनों से बोर हो गए लेके वन मंथ में, तो आप ओट मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। नाश्ते में आपको किसी भी मिलेट का सबसे बेस्ट तो होता है फॉक्सटेल मिलेट, तो इसका आपको दलिया लेना है। बहुत ज़्यादा लोग नाश्ते में तला हुआ चीज़ लेते हैं, पराठा ले लेते हैं बहुत हैवी, ये आपको नहीं करना है। चाहे तो आप एक फ्रूट ले सकते हैं जब आपको भूख लगती है, तो या तो वेजिटेबल का दलिया आप यूज़ कर सकते हैं या ओट्स का चीला भी आप ले सकते हैं। आप उपमा भी ले सकते हैं, किनोवा का उपमा बहुत ही लाइट होता है और हेल्दी होता है। ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। और कभी भी आपको जब भूख लगे तो मिड मॉर्निंग में आप एक नारियल का पानी आप ले सकते हो, या तो एक कोई भी फ्रूट ले सकते हो। कभी भी दो फल को एक साथ नहीं मिलाना है आपको। अब आता है लंच की बारी। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि 2 बजे 3 बजे लंच कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आयुर्वेद के अनुसार आपका जो 1 बजे जठर अग्नि जो है मंद होने लगती है, तो 1 बजे से पहले ही आपको लंच कर लेना है। तो लंच में अगर आपको रायता का शौक है तो आप रायता ले सकते हैं, बशर्ते उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आप उसमें जीरा सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप दही लेते हो तो कोकोनट मिल्क का दही भी बना के आप ले सकते हो। लंच के पहले आप जो है बॉइल्ड सैलेड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छा होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करेगा। या तो आप गोट मिल्क का बना छाछ ले सकते हैं। लंच में आप ले सकते हैं उपमा, किसी दिन आपने उपमा ले लिया, किसी दिन आप चीला ले लिए, किसी दिन आप राजगीरा का रोटी ले लिया। ये पचने में काफ़ी आसान होती है और एसिडिटी को भी कम करती है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर की होती है। प्लस 1 कप सब्जी। सब्जियों में आप कैरेट, ब्रोकली, भिंडी, इन सारे सब्जियों को यूज़ कर सकते हो। लौकी, तोरई, टिंडा, बहुत ही अच्छा होता है ये। बहुत ज़रूरी है खाने को चबा के खाना। आप कुछ भी खाइए उसको प्रॉपर च्यूइंग करके खाइए। मैंने इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखिए कि किस तरह से च्यूइंग जो है ओवरऑल एसिडिटी और आपके डाइजेशन को अच्छा कर देगा। स्नैक्स टाइम पे आप किसी भी वेजेस का जूस ले सकते हैं, बशर्ते तुरंत फ्रेश आपको लेना है। ग्रीन टी एक अच्छा ऑप्शन है, और जो दूध वाली चाय होती है, कॉफ़ी होती है, आप उसका सेवन ना करें, उसको आपको अवॉइड करना है। आलमंड का आप योगर्ट ले सकते हैं, आता है मार्केट में, या आप घर पे आप फ्रेश बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा होता है, यह हमारे बॉडी में एसिडिटी को तो डाउन करता ही, साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर बहुत ही लाइट आपको करना है अगर आपको एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो। ये 1 मंथ का डाइट प्लान है। स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा होता है एसिडिटी के लिए, तो अगर आपको ये सूट करता है तो आप स्वीट पोटैटो ज़रूर लीजिए। इसका आप टिक्की बना सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल बॉइल्ड करके थोड़ा सब्जी के फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। और चीला भी आप डिनर में ले सकते हैं, अगर आपने लंच में नहीं लिया तो आप डिनर में ले लीजिए। या तो मिलेट्स का दलिया और खिचड़ी आप ले लीजिए, क्योंकि ये 1 मंथ का डाइट प्लान है। एक तरह के डाइट प्लान से आपका बॉडी जो है बोर हो जाएगा और अडॉप्ट कर लेगा, फिर अगर आप दोबारा खाने जाओगे तो वो नहीं पचाएगा। किसी भी वेजिटेबल का आप ज़रूर सूप बनाइए, बशर्ते टमाटो नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है आप, तो आप मिलेट का रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप मिलेट की रोटी एक लीजिए, पर प्रॉपर च्यूइंग के साथ। ये तो रहा आपका नाइट डाइट प्लान। बेड टाइम भी बहुत ज़रूरी है, आपको एक वाटर लेना है सोने से पहले। करना ये है कि आपको थोड़ा सा जीरा आधी चम्मच, धनिया का पाउडर और सौंफ यानी कि फेनल सीड का पाउडर, थोड़ा सा मुलेठी, अगर शुगर नहीं है तो, शुगर पेशेंट मुलेठी नहीं लेना है, इन चारों को आपको मिक्स करके इसका आपको पानी पी के सोना है। ये पानी केवल एसिडिटी को ही कम नहीं करेगा, जब आप उठोगे तो आपका लीवर भी आपको डिटॉक्सिफाई मिलेगा। और अगर आपको एसिडिटी कम करना है तो हमेशा वाटर फ्रूट बेस्ड डाइट ही आपको लेना है, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिटी को कम करने के लिए। तो अगर आप इस तरह का डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक सिंपल डाइट प्लान था एसिडिटी के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करना है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज के लिए केवल इतना ही, मैं इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाते रहूँगी। सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार।